हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीक्रेट में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो, बहुत ही चौंकाने वाली वीडियो है। अगर आप अपने मोबाइल में दो सिम कार्ड चलाते हैं तो ये खबर जरूर देख लें, बहुत ही चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्निकल सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ये लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है दोस्तों, इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, जैसे ही इसे टच करोगे तुरंत ये घंटी का निशान आएगा, ये घंटी आएगी दोस्तों, इसे दबाना ना भूलें, इसे दबा दें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, आज बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, अब तक की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। तो कौन सी बड़ी खबर है, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चलाते हैं मोबाइल में दो सिम कार्ड तो जरूर पढ़ लें ये खबर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। अगले 6 महीने में लगभग 6 करोड़ लोग मोबाइल सिम हो सकते हैं बंद। जानिए क्या है इसका कारण। अगले 6 महीने के दौरान टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा ऐलान, झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 6 महीनों में लगभग 6 करोड़ लोग अपने मोबाइल सिम को बाय बाय बोलने वाले हैं। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। दरअसल ग्राहक अब दो सिम कार्ड खरीदने की जगह एक ही सिम कार्ड ज्यादा को तरजीह ज्यादा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आपके पास कोई दूसरा सिम है, और एक जाहिर सी बात है जियो का सिम तो होना ही होना है, क्योंकि उसमें वॉइस कॉल और के साथ में डाटा फ्री है, या डाटा के साथ में वॉइस कॉल फ्री है, कुछ ऐसा समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा झटका लगा है दूसरी अदर कंपनियों को। जैसे अगर आपके पास आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल कोई भी वो है, तो उसके साथ में जियो तो है ही है, तो जियो को चलाते हैं और उस पर तरजीह नहीं देते हैं दूसरी सिम पर। तो कंपनियों ने एक नया प्लान लॉन्च किया है अदर कंपनियों में आपके लिए। वो प्लान ये है दोस्तों, इनकम कॉल के लिए भी देना होगा पैसा। जानिए क्या है इसका पूरा सच। जी हाँ दोस्तों, ये पहले से ही ऐलान हो चुका है और दोस्त करोड़ों यूजर्स इससे परेशान है। उनकी बैटरी तो बहुत ही कई कई साल तक की पहले कंपनी ने दे रखी थी, और अब उसके ना फोन आ रहे हैं ना जा रहे हैं, जो कि प्लान खत्म हो चुका है उनका। तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों के, मोबाइल में पैसे भी है फिर भी इनकम कॉल नहीं आ जा रही है। तो इसका पूरा सच दोस्तों लागू कर दिया है दोस्तों। उसके लिए आपको ₹35 का रिचार्ज कराना होगा कम से कम 1 महीने के लिए। उसके लिए आपको 28 डे के लिए वैलिडिटी मिलेगी, और कुछ 24-25 रुपए भी मिलते हैं उसके साथ में। 1 महीने के लिए केवल वो उसकी इनकमिंग होगी। तो बहुत ही बड़ा झटका लगा है यूजर्स को। तो है ना दोस्तों, बहुत ही दुखद बात कि हम पैसा भी पूरा लगा रहे हैं और हमारे उसमें कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए सरकार ने ये नियम लागू किया है कि ज़्यादातर लोग एक ही सिम यूज़ कर रहे हैं तो एक ही सिम यूज़ करें। तो इसीलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को आपने अपना कीमती समय दिया देखने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और क्या ये नियम सही है इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय नहीं दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।